हेलो एवरीवन। तो हम एट क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बच्चों को उनके स्कूल से मिला है। तो क्या कह रहे हैं, 13th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। बाकियों के मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। बेस इंस्टीट्यूट, जो बेस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो यूट्यूब चैनल है, जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है, हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी चैनल है, कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल जो स्पेशली हमने बनाया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाया, तो उनको उनके स्कूल वाले मेथड्स मिलेंगे और शॉर्ट मेथड्स हैं ये इन्हीं क्वेश्चंस के। तो हमारा एक बड़े बच्चों के लिए चैनल है, जो आफ्टर 12th हम 21 ईयर से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है जी। तो इस समय ईयर 2021 चल रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाय 30। लेट द नंबर बी, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, लेट द नंबर बी एन, ठीक है। अब इस एन का फिफ्थ पार्ट लेंगे तो एन बाय फाइव करेंगे, है ना। फिफ्थ पार्ट का मतलब डिवाइडेड बाय फाइव करेंगे, और उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, 30 ऐड करेंगे। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। तो इसी एन का जब आप फोर्थ पार्ट लोगे तो एन बाय फोर करोगे, और लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 30 माइनस 30। तो इस कहने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन में उस नंबर के फिफ्थ पार्ट निकाल के 30 ऐड करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा जब उस नंबर का फोर्थ पार्ट निकाल के 30 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो कॉम्पिटिटिव वाले को मैं पढ़ा रहा होता तो फिफ्थ पार्ट का मैं मतलब क्या कहता, 20% प्लस 30, 25% माइनस 30, माइंड नहीं करा देता। नहीं, आप 8th क्लास में तो आपको ऐसे करना है, तो ठीक है जी। तो आइए अब हम करेंगे, ये 30 इधर का इधर ही रख लें और माइनस 30 उधर जाके ऐड कर दें, और इधर n बाय फोर माइनस n बाय फाइव, सिंपल। 30 प्लस 30 इधर तो हो गया बेटा 60, और n बाय फोर माइनस n बाय फाइव करना है तो एलसीएम क्या आएगा बेटा बताओ, 20 आएगा इधर, और 20n, 20n या 5n, 5n, 4 5 जा 5 4 जा तो 4n, ठीक है। तो इधर आ गया 60, 20 इंटू 60 1200 हो गया, और 5n माइनस 4n n हो गया। तो n की वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर निकालना था, तो नंबर की जो वैल्यू आई वो 1200 आई, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको बाय चांस वेरिफिकेशन करना हो या आपको कंफर्म करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, बहुत इजी है। आप क्या करो, मैं इसको रब कर दूं, आप रिवाइंड करके देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। आप क्या करो, नंबर आपका आंसर आ चुका है, इसका फिफ्थ पार्ट क्या आएगा, 1200 का फिफ्थ पार्ट जब आप करोगे तो 240 आएगा। फिफ्थ पार्ट को आपने 30 बढ़ाया था, प्लस 30 यानी कि 270 आया, और इसका फोर्थ पार्ट करो तो 300, और फोर्थ पार्ट को आपने 30 कम किया था तो भी 270, तो 270 इज इक्वल टू 270 आ तो रहा है, इज इक्वल आ तो रहा है, तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला 1200 वो बिल्कुल ही सही है। थैंक यू वेरी मच, बाय स्टूडेंट्स।